दोस्तों अब आप देख रहे हैं एक नई पावरफुल फेयरिंग वाली बाइक जिसका नाम है बजाज पल्सर F250। ये बाइक नई आई है तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इस बाइक की प्राइस क्या है, माइलेज क्या है और कितने नए फीचर्स आपको इस बाइक में बजाज पल्सर F250 में मिलते हैं। मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आपको जानकारी दी थी N250 की, जो कि नेकेड बाइक थी, लेकिन ये एक फेयरिंग वाली बाइक है। तो सबसे पहले आप इस बाइक को फ्रंट से देखेंगे, इसमें आपको फेयरिंग मिलती है एक बड़ी सी और आप देखेंगे यहाँ पर दो DRL मिलते हैं जो कि ऑन है और यहाँ पर आप देखेंगे प्रोजेक्टर हेडलैम्प है जिससे जब आप रात में चलेंगे तो इसमें आपको एक बेहतरीन रोशनी मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे LED इंडिकेटर इसमें आपको मिलते हैं दोस्तों। तो फ्रंट डिज़ाइन आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। यहाँ पर आप देखेंगे एक बड़ी सी इसमें विंड स्क्रीन मिलती है और इसके शीशे भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। अब आप साइड से देख रहे हैं इस बाइक को और आप देखेंगे एक फेयरिंग वाली बाइक जो कि ज़्यादा भारी भी नहीं दिखती है। और आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप फेयरिंग और पीछे और इंजन काउल को मिलाकर देखेंगे तो आपको काफ़ी पसंद आएगी ये बाइक दोस्तों। और आप नज़दीक से देखेंगे तो यहाँ पर पल्सर 3D में लिखा हुआ है, रेड कलर की बाइक है जिसमें यहाँ पर भी आपको स्टिकर मिलता है। यहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट भी इसमें मिल जाता है दोस्तों। और अब आप यहाँ पर देखेंगे तो F250 मतलब फेयरिंग वाली बाइक है तो F250 इसमें लिखा हुआ है। स्प्लिट ग्रैब रेल स्प्लिट सीट के साथ ये बाइक आती है और डबल बैरल इसके अंदर आपको साइलेंसर मिलता है। और इंजन का कलर आप देखेंगे इंजन कवर का तो हल्का सा गोल्डन कलर का इसमें आपको इंजन मिलता है। आप देखेंगे रेड बाइक है, ब्लैक टायर, ब्लैक अलॉय व्हील, ब्लैक इंजन और उस पर आपको ये गोल्डन कलर का हल्का सा अच्छा भी लग सकता है दोस्तों। और पीछे आप देखेंगे 130 mm का टायर है इसमें। और पीछे का आप जब डिज़ाइन देखेंगे तो इसमें आपको नई बैक लाइट मिलती है LED वाली, LED इंडिकेटर इसमें आपको मिलते हैं, 130 mm के टायर मिलते हैं, टायर हगर भी इसमें आपको मिलता है। और अब आप साइड से देख रहे हैं लेफ्ट साइड से बजाज पल्सर F250 को और आप लोग बताएं भाई कैसी लग रही है आपको ये बाइक। ये 250 cc इंजन के साथ आती है जिसमें आपको 24.5 PS की पावर मिलती है 8750 RPM पर, 21.5 Nm की टॉर्क मिलती है लगभग 6000 RPM पर और 5 गियर इसमें आपको मिलते हैं दोस्तों। इंजन बिल्कुल नया है, इसका साउंड बिल्कुल पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये आयल और एयर कूल्ड इंजन है जिसमें ऑयल कूलिंग के लिए सिस्टम इसमें यहाँ पर लगाया गया है दोस्तों। और इंजन काउल भी इसमें आपको मिल जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये पल्सर 3D में चार्जिंग मैंने आपको दिखा दिया, हाई बीम लो बीम पास इंडिकेटर हॉर्न चाबी इसमें कुछ इस प्रकार से है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये इंजन किल की स्विच है और ये सेल्फ की है। यहाँ पर आप देखेंगे डिजिटल और एनालॉग मीटर है जिसमें लो ऑयल और बैटरी, लो बैटरी का और ये इंजन चेक की लाइट, साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच है और हाई बीम लो बीम टेम्परेचर का और ये इंडिकेटर का RPM लिमिट ABS और ये। और यहाँ पर आपको डिजिटल मीटर मिलता है जिसमें आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर और ये कितनी स्पीड है और डिस्टेंस टू एम्प्टी और Trip 1 Trip 2 इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आप देखेंगे यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं, टाइम भी ये बाइक आपको बताती है। तो इतने सारे फीचर्स आपको इसमें मिल रहे हैं। अगर हम प्राइस की बात करें तो 1,40,000 रुपये एक शोरूम प्राइस है। इसकी सीट हाइट है 795 mm मतलब कि 800 mm भी नहीं है और इसमें आपको 1,40,000 इसकी एक शोरूम प्राइस है और लगभग ऑन रोड प्राइस 1,60,000 से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगी। आप अपने नज़दीकी डीलर पर ज़रूर संपर्क कर लें ऑन रोड प्राइस के लिए। तो मेरे हिसाब से इसकी जो माइलेज होगी लगभग 35 से 40 की माइलेज रहेगी। तो ये एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन बनाया गया है कम कीमत में, मतलब कि आपको 1,40,000 रुपये एक शोरूम प्राइस में 250 cc की बाइक मिल रही है जिसमें आपको सिंगल चैनल ABS स्लीपर क्लच इसमें आपको मिलता है। तो मेरे हिसाब से भैया एक काफ़ी अच्छा पैकेज है, अगर आपको पसंद आता है तो आपको एक बार देखना चाहिए, ट्राई ज़रूर करना चाहिए। आप जाकर इसको चलाकर देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। मैं साउंड सुना देता हूँ, आपकी सारी शिकायत दूर हो जाएगी क्योंकि भैया साउंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं न्यूट्रल कर लेता हूँ इस बाइक को और आप देखेंगे कभी न्यूट्रल नहीं है ये बाइक और जैसे ही न्यूट्रल होगी तुरंत स्टार्ट कर दूंगा मैं और बाइक स्टार्ट हो चुकी है। तो ये बाइक स्टार्ट हुई, इसका साउंड आपने सुना, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने इस चैनल को राहुल वर्सेज मिंटू बाइक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो अगर आप अपनी बाइक को चमकाना चाहते हैं थोड़ा बहुत मैं बता दूं आपको M2R+ पॉलिश के बारे में, अगर आप इसको लगाएंगे तो आपकी बाइक बिल्कुल चमकती रहेगी और उसकी कलर प्रोटेक्ट रहेगा, बैलू बनी रहेगी, रिसल बैलू बनी रहेगी। तो इन सब चीज़ों के लिए आप एक बार ट्राई ज़रूर करें M2R+ पॉलिश, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको मंगवा सकते हैं। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।